अब अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को अब चाहे खा या खराब कर, और वो सारे जैसे कई देखे हैं डाके भी मारें और चोरी भी करें, हत्या भी कर दें, और वो कति ठीक ठाक, नो प्रॉब्लम, ना शरीर में गड़बड़ उनका, और खूब पैसा इकट्ठा कर ले, तो वो पिछले जन्म के पुण्य हैं। तब जब तक वह चलेंगे, इतने चाहे वो कितने कुकर्म करे, गुट्टी भी लानता हो, हुक्का भी पीता हो और भी सारे दुराचार करता हो, और फिर भी वो स्वस्थ नजर आ रहा है, वो ठीक नजर आ रहा है, तो पिछले पुण्य उसके जब तक साथ हैं, वो बैटरी चार्ज है, तब तक नो प्रॉब्लम। और जब वो बैटरी पिछली डिस्चार्ज होगी, फिर देखना प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, यानी दुख पर दुख आएंगे। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने धैर्य रखना चाहिए, परमात्मा के चरणों में आने के बाद आप यहाँ वही व्यक्ति आया है जिस जो कति कंडम हो लिया, यानी 90% कह दूँ तो भी कोई ज़्यादा नहीं, जो इस दास के पास उपदेश लेने आए हैं परमात्मा कबीर जी की कृपा से आज वो सुखी हैं। यहाँ 90% वो प्राणी है जो कति कंडम हो लिए थे, जिनकी आस नहीं रही थी कि जीव भी गा, इस परिवार का भी, पूरे परिवार ने भी यहाँ तक सोच लिया था कि आत्महत्या करेंगे, आज उनकी फैक्ट्री लगी हुई है। किस कारण से? कि बीमारी के कारण और दारिद्र के कारण, और आज परमात्मा की शरण में वो पड़े रहे, आज चारों तरफ से सुख कर दिया। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मालिशी च सौगड़ा समय आए फलो। अब एकाद भक्त कहता, जी मन पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी और पूर्ण रूप से आराम होया नहीं। कुछ कहते हैं जी वो काम तो ठीक हो गया मेरा, और आपत्ति आ गई, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, तो वो कहता है जी बताओ, हमने तो सारा कुछ कर लिया, फिर भी आपताएं आ रही हैं। पुण्यात्माओं, एक एक व्यक्ति को बार बार ये प्रश्न का उत्तर संभव नहीं। सत्संग के माध्यम से आप सुना करो, सीडी ले जाया करो, थोड़ा बहुत समय निकाल लिया करो, अपना घर पर सुने, सारे परिवार ने बैठा ले, क्योंकि जिस रंग में हम पहले रंगे हुए थे वो घना चढ़ रहा है, और उसको उतारने के लिए ये बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा, वो फिर हट जाएगा, और मन में जो कुछ ये इस तरह की भावना आती है, हीन भावना आती है, वो ठीक हो जाएगी। अब जैसे कहते हैं जी छोटी मोटा कोई दुख बना ही रहता है, ये गॉड गिवन है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, सिला पड़ो जिस ते नाम हर देते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि भगवान से ऐसा सुख ना मांगियो जिस ते भूल पड़े भगवान की। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम ऐसी मांग रखना भगवान के समक्ष कि आग लगाई से सुख का जिस तरह भगवान का नाम छूट जाए, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिस तरह आपकी भूल पड़े, हमना नहीं चाहिए वो सुख, और ऐसा दुख दिए रखना दाता तेरी भूल ना पड़े। तो ये दुख वरदान है यहाँ आपके लिए, और सुख आपका शत्रु है। आप यहाँ एक विद्यालय में हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, और जो बच्चे स्कूल में मौज मस्ती मारते हैं वो सदा दुखी हो जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। यहाँ सुख नहीं चाहिए आपको, यहाँ टाइम पास करने के लिए और कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट रख के, इच्छाएं कम करके, और अब दुख सुख पाकर राम नाम का रगड़ा लगा दो, और जितना आते छूटे वो दान करो, और दान से कभी हानि नहीं होती जो सुपात्र को दिया जाता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर,
दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी मोहर लगा रहे हैं कि मैं कह रहा हूं भाई, दान देने तो धन नहीं घटेगा, ये तो कई गुना होकर आवेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम वो क्या प्रार्थना करते हैं जी, कुछ ना कुछ अब भी दुख रहता ही है। इसके दो कारण हैं, एक तो ये है कि परमात्मा थोड़ा सा दुख हमारे ऊपर रखेगा, क्योंकि मन की आदत है सुख होंदे बकवाद ढूंढेगा, भगवान बोलेगा और ठेका याद करेगा, या किसी ताश के लड़िया ने ढूंढेगा बकवाद करने का मतलब। और दूसरा कारण ये है कि आपके पुण्य, आपके ऊपर जो पाप कर्मों का प्रभाव अधिक है। एकाद तो यहां तक कह देता है अनजान, एकाद माई या भाई दोनों में से कोई ना कोई ऐसा कह देता है जो बोला जी मैंने पाठ भी करा लिया, मेरा तो फिर भी तकलीफ रहे से। अपुण आत्मा, ये तो इस दास को पता है ना यह तकलीफ कितनी है, और अगर आपने ये पाठ करा रखा होता तो के बिजली गिरनी थी आपके ऊपर। अब जैसे सर्दी ज्यादा हो और सर्दी में आपने जराब भी पहन रखी है और कमीज पहन रखे, स्वेटर भी पहन लिए, तो और फिर ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन ली, जुराब भी पहन रहा हूं और फिर भी मुझे सर्दी लग रही है, क्या फायदा स्वेटर का, क्या फायदा हुआ मुझे जुराब का। तो पुण्यात्माओं, सर्दी अधिक है लेकिन फिर भी जितना प्रोटेक्शन वो स्वेटर कर सकती है उतना तो बचाव तेरा कर रखा है, तो उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार क्या है, उसका विकल्प क्या है। एक भक्त कह रहा था बोला जी उन्होंने तो नाम छोड़ दिया, नो कहा हमने पाठ भी करा लिया और जोत भी चढ़ा दी, हमें कोई लाभ तो हुआ लेकिन विशेष लाभ नहीं हुआ, फिर भी कुछ न, एक ठीक हुआ है, दूसरा थोड़ा बहुत फिर कोई दिक्कत आ जाती है, वो फिर वहीं चले गए जहाँ पहले धक्के खाया करते। अब ये ऐसे व्यक्ति ज्ञान की कमजोरी में यहाँ से दूर जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बुलाते हैं, आपको यहाँ ज्ञान दिया जाता है, और जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा जब तो कहते हैं बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, और जैसे कागजात का इब सूझ जाए और निठोड़। तो वो कहते हैं हम तो नाम छोड़ दिया, पाठ भी करा लिया, कोई खास लाभ ना होया, और एक दो काम तो आपका ऐसा दुख दूर कर देंगे परमात्मा, जो इंसान हो तो भूल नहीं सकता लेकिन हम शैतान हो लिए कलयुग मां के। आज जो सुख यहां पर आपको हो रहे हैं ऐसा लाभ कहीं किसी एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक गांव में को बाबा जी कराया करता, और उसकी महिमा सात पीढ़ी तक गाया करते, भाई मारा दादा इतना बीमार हो गया था और वो महाराज ने आशीर्वाद दे दिया ठीक हो गया, और उसके बाद और कई मर लिए वो दूसरी बात है, लेकिन वो याद रहेंगी उनके। और आज छह सुख दे ले, सातवां ना हो बिना ज्ञान के व्यक्ति को, सातवां एक ना हो जब बनो कहेगा हमने तो कोई फायदा दिखता ना, हमारी इतना बुद्धि का सतर गिर गया। इसलिए आपको रह रहकर यहां बुलाया जाता है कि आप सत्संग सुनोगे, ज्ञान से परिचित होगे, फिर इस सत्य के मार्ग पर आप आगे कदम रख सकोगे। अब जैसे कोई कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन ली और दर्सी भी पहन ली और फिर भी सर्दी लगे है, क्या फायदा, के लाभ दिया जर्सी ने, तो उस जर्सी को उतार कर फेंक देने से कौन सी बुद्धिमता की उसने। अब स्वेटर का जितना जो अपना क्षमता थी इतना बचाव तो तेरा कर रखा है, यदि दर्शी ना होती तो नमूनिया हो लेता इब तो पहले और मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो पुण्यात्माओं, जैसा भी आप पुण्य भक्ति धर्म प्रारंभ कर चुके हो इससे लाभ अवश्य है। ये बात अलग है कि सर्दी अधिक है फिर भी कानों को हाथों को थोड़ी बहुत
ठंड महसूस हो ही रही है तो वो मार नहीं सकती आपकी, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन कर रखा है, स्वेटर और जर्सी पहन रखी है। अब कोई कहे कि मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मुझे क्या लाभ हुआ, तो मरेगा फिर छोड़, यानी कोई कहे जर्सी निकाल लूंगा मन तो कोई लाभ नहीं हुआ, तो नमोनिया हो जाएगा। उसका क्या इलाज है कि फिर कंबल ओढ़ ले, यानी पुण्य से जितने से लाभ ना हो रहा तो और बढ़ाइए। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझकर इस परमात्मा के मार्ग को आपने अपनाना है, इस पर चलना है। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास कर बंदगी भौर न ऐसा दावे। आप जी का जीवन ऐसा है जैसे सुबह ओस गिरी हो घास पे, और वो जल एक स्थान पर एकत्रित होकर उन पत्तों पर घास पर लटक रहा होता है, चमक रहा होता है सूर्य के प्रकाश में, जैसे मोती चमका करते हैं। परमात्मा कहते हैं फिर एक घंटे दो घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता, सूख जाता है सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से। कहते हैं तेरा जीवन ऐसा है जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, और गरीब दास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाव। क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके घर का को सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो उसी रूप में उसी शरीर में फिर तुम्हारे घर पर न्यास किया, अन्य रूप में आ जा लेकिन वो रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर सकता जो वहां अक्षती हो चुकी है। परमात्मा कहते आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी की जठो ठिकाना ना। कबीर साहब कहते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उसा प्यास न भाग ही जब लग धसे नहीं आब। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता था, और मंगलवार के दिन 100 रुपये की बूंदी बांट कर इन्हों सोचा करता बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, और बूंदी के बांटी दुकानदार से लाके और या तो वहीं से बांटना शुरू कर देते, या थोड़ी देर हनुमान जी का साथ में रख कर उस फोटो के और पढ़ कर हनुमान चालीसा फिर बांट दिया करते। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी साधना है जो थी, ये ओस चाट रहे थे तुम, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया है, इस तरह के कोई छोटा मोटा कहीं पुनकर्म में सहयोग दे दिया। कहती ये कंप्लीट नहीं था, ये तो ओस चाट रहे थे, जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास कैसे बुझती है कि एक दो गिलास अच्छी प्यास लग रही है, एक दो गिलास गट 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 पीवे और तब प्यास बुझे। पहले हमने देखी हमारी दादी, एक अपनी चुंदड़ी के पल्ले का 100 रुपया बांध लिया करती, और हम पूछते दादी यू के बांध रहा क्या, उसका इसी कसूती गांठ ला दिया करती, कदे बालक ना खोल ले जा। और उससे पूछा करते क्यों बांध रखी है, नो बोली इसने ना खोलियो पाप लगेगा तुम, और किस लिए वो क्या कितने संकल्प करा करती, नो क्या करती गाय का तो बच्छा हो जा बछड़ा दे दे गाय, और भैंस दे कटड़ी, और बहू का हो जा छोरा, ये गुड़गाम वाली तरह जब 100 रुपया चढ़ाऊँ, यानी इतनी रिक्वायरमेंट रुपया 100 वो तेरा के जो। तो ये ओस चाटे थे हम, और हमारी टेंडेंसी इतनी गिर चुकी थी पुण्यात्माओं, हमारी नीत भी साबित ना रही थी, भगवान के प्रति भी ना रही थी, हम इतने गिर चुके थे। अब परमात्मा का डर रहा नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह भूल नहीं पड़ी।
तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि